नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। नागदा बनेगा जिला, बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उज्जैन में नर्मदा का पानी भी पहुंचाएंगे, उन्हेल में सीएम राइट स्कूल भी खुलेगा। नागदा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को नया जिला बनाने की घोषणा की है। उज्जैन में नर्मदा का पानी भी लाया जाएगा, इसके अलावा उन्हेल को तहसील बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो तहसील अपनी खुशी से बनने वाले नए जिले में शामिल होना चाहेंगी, उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने उन्हेल में सामुदायिक भवन और सीएम राइट स्कूल खोलने की घोषणा भी की, साथ ही नागदा में नर्मदा का पानी लाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा सीएम ने नागदा खाचरौद विधानसभा में 216 करोड़ 14 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा में रोड शो किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां रोड शो भी निकाला, इसमें जगह जगह स्वागत किया गया। रोड शो में हजारों लोग शामिल रहे। रोड शो पुराने बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, एमजी रोड होकर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित किया। सीएम ने संबोधित करते हुए जनता से पूछा कि कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि मामा खजाना लुटा रहा है, आप बताएं कि मैं सीएम नहीं होता तो कांग्रेस देती क्या। प्रदेश सरकार ने महिलाओं का आत्मसम्मान लौटाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि ये दुबला पतला डेढ़ डी का पता नहीं कहां से योजना ले आता है। कांग्रेस ने बेटियों को धोखा दिया है। बताएं कि उज्जैन में नर्मदा का पानी कांग्रेस ला सकती थी क्या? दिग्विजय सिंह के राज में सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क थी, पता ही नहीं चलता था। और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और नागदा की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नागदा से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। पिछले एक दशक से नागदा और नागदा के आसपास की जनता ये मांग कर रही है कि नागदा को जिला बनाया जाए, और नागदा के लोगों को कई तरह की परेशानियाँ आती है, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है अपने कार्यों के लिए। तो अगर आज नागदा में यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है और उन्होंने नागदा की जनता को सुनते हुए उनकी मांग को पूरा करने के लिए नागदा को जिला बनाने की अगर घोषणा की है, तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है हमारा आज का, कि आज के दिन नगर के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। और आज का दिन सुनहरे अक्षरों में याद करेंगे। अगर आज हमारा जिला आने वाले एक वर्ष में नागदा के स्वरूप को अगर प्राप्त करता है, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन रहेगा नागदा की जनता के लिए। ये आवश्यकता थी तो नागदा जिला बने, और इसलिए प्रयत्न किया है कि नागदा को जिला बनाने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी और स्वेच्छा से जो तहसील नागदा जिले में रहना चाहेगी वो ही नागदा जिले में रहेगी। और प्रशासनिक दृष्टि से, क्योंकि जिला बनने से यहाँ की जनता को कई सुविधाएं मिलेगी, इसलिए फैसला किया। जो देश को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को हिंदुस्तान में कहां तक काम मोदी जी ने पहुंचा दिया। और जब मोदी जी दुनिया भर के नेता हो गए, तो जितने विरोधी दल हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, जिनने बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया, पाप किया, वो गठबंधन बना रहे हैं। वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है बहनों और भाइयों, ठगबंधन। और ऐसे लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ, एक तरफ विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस नागदा के जनभावनाओं की कदर करते हुए आज नागदा को जिला बना दिया है, और उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रियाएं आज से प्रारंभ हो जाएगी। और विगत दिनों जो चर्चाएं हुई है भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन जिले के शीर्ष नेतृत्व, वो चाहे महामहिम गवर्नर साहब हो, माननीय अनिल जी हो, माननीय जगदीश देवड़ा जी हो, माननीय मोहन जी हो, माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, बहुत गंभीरता से चर्चाएँ हुई। और ये जिला कोई ऐसे ही नहीं बना है, इस जिले का पूरा रोड मैप तैयार हुआ है। और आपने देखा कि उन्हेल में कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं थी, जब मेरी चर्चाएं हुई, गंभीरता से चर्चाएं हुई कि ये कारण है, तो मैंने ही सुझाव दिया था कि
तहसील उन्हेल को भी बना देना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मुझे लगता है कि अब कोई संशय नहीं, 1% नहीं, माइनस में भी कोई संशय नहीं है नागदा। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप एक उदाहरण बता दो कि जो उन्होंने घोषणाएं करी है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि सीएम मॉनिटरिंग का एक अपना सिस्टम है भोपाल में, जो उनकी घोषणाओं का सभी मॉनिटरिंग होती है। और उन्होंने तो आज ये कह दिया कि आज से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो अब कोई संशय नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिले में, इसलिए कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिले के सभी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जनता का जो अपार समर्थन आज था, मुझे लगता है कि मेरा भी 35 साल का राजनीतिक जीवन है, शायद किसी भी नेता का, बीजेपी कांग्रेस किसी भी नेता का इतना बड़ा कार्यक्रम कि 6 किलोमीटर का रोड शो, भारी गर्मी, पिछले 2-3 दिन से बरसात और उसके बाद भी इतना बड़ा जन समुदाय आना, तो मुझे लगता है कि माननीय शिवराज जी के प्रति सर्वप्रथम तो मैं बाबा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं नागदा नगर की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जो अतिथि के रूप में आए थे और सभी की इच्छा थी कि वो मामा शिवराज जी हमारे बीच में आकर जिले की घोषणा करेंगे और आज उन्होंने पूर्ण रूप से नागदा को जिला बनाने की घोषणा की है। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं पूरी नगर की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागदा नगर को जिला बनाने की घोषणा की है, जो कि पूर्व में मांग उठती रही है और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की अथक प्रयास रहे हैं। शिवराज सिंह जी चौहान से बार बार मिले हैं, कई डेलीगेशन मिले हैं और नागदा को जिला बनाने की मांग रखी है। दिलीप सिंह शेखावत साहब पूर्व में भी इसके लिए प्रयासरत थे, अभी भी इसके लिए प्रयासरत थे और निश्चित ही उनकी अथक प्रयास की वजह से ही नागदा को जिले की आज सौगात मिली है। इसके लिए मैं नागदा नगर और पूरी विधानसभा को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नागदा के अलावा उन्हेल को भी तहसील बनाने की सौगात दी, उसे आप बात करना नहीं चाहेंगे तो नागदा से बात करें। उन्हेल को तहसील बनाने का दर्जा मिलेगा, इसके अलावा जो भी दूसरे तहसील इसमें मिलना चाहेंगे सबका वेलकम है, सबके लिए नागदा में जिले के उसमें शामिल होने के लिए सबको आमंत्रित हैं, सबको बधाई शुभकामनाएं है।